हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले टेक्नो पोको 5 प्रो 5G के बारे में। दोस्तों इसके आज ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करने वाले और जो कुछ इसमें कमियां उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं अगर बता दूं इसका बेस वेरिएंट हमें देखने को मिल जाता है 15,000 रुपीज का, जो कि 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ आता है। दोस्तों बढ़िया बात इसमें यह है कि हमें मिनिमम 8GB का रैम देखने को मिल जाता है और इसके साथ दोस्तों आपको 8GB का एक्सटर्नल रैम भी देखने को मिल जाएगा, जो कि हम कह सकते हैं कि फालतू है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? दोस्तों ओवरऑल सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो हाइलाइटेड चीज है वो इसके डिजाइन, तो डिजाइन से शुरुआत करते हैं। डिजाइन के मामले में दोस्तों फोन आपको काफी ज्यादा तगड़ा देखने को मिल जाएगा। एक टीनेजर के लिए दोस्तों आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव डिजाइन देखने को मिल जाएगा। आप भी अगर इस फोन को देख रहे होगे तो आपको ये फोन ये काफी बढ़िया डिजाइन के मामले में लग रहा होगा। दोस्तों डिजाइन के मामले में ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा नथिंग फोन है उससे थोड़ा बहुत इंस्पायर बैक साइड में आपको जो ग्लास के साथ एस्थेटिक देखने को मिल जाती है, लाइट्स देखने को मिल जाते हैं, काफी बढ़िया है। वैसे तो हमारे नथिंग फोन में वाइट लाइट्स देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें आपको कलरफुल लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि इसको और कूल बनाते हैं। दोस्तों इसमें आपको कलरफुल लाइट, जैसे अगर हमारे मैसेजिंग आते हैं फोन पे या फिर कॉलिंग पे, आप अगर म्यूजिक चला रहे हो तो, या फिर दोस्तों पावर ऑन पावर ऑफ गेमिंग पे काफी बढ़िया लाइट देखने को मिल जाती है। अगर आपका फोन कहीं टेबल पे रखा है दोस्तों तो आपका फोन अगर मैसेज आता है तो काफी बढ़िया देखने में लगेगा, लेकिन दोस्तों ये लाइट जो है हमें डे लाइट में विजिबल नहीं होती, जो कि इसकी बढ़िया बात नहीं है। हाँ दोस्तों इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा और दोस्तों इसमें आपको 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसमें आपको स्टेरियो स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको अगर आप मल्टीमीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं दोस्तों तो आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी मल्टीमीडिया के मामले में। दोस्तों ओवरऑल इसके डिज़ाइन के मामले में तो ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया है, एक नंबर हम कह सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो डिज़ाइन के मामले में 5 out of 5 रेटिंग लेके जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसमें डिस्प्ले की तो डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा बड़ा डिस्प्ले, अगर आप बहुत ज़्यादा कंटेंट वॉचिंग करते हो तो इसमें आपको 6.78 inch का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि एक फुल HD IPS LCD डिस्प्ले दोस्तों, जो कि कलर के मामले में काफ़ी बढ़िया है। अगर आप कंटेंट वॉचिंग कर रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, डिस्प्ले बड़ा भी है दोस्तों तो आप अगर बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करोगे तो कोई परेशानी नहीं आने वाली। इसमें आपको 128 का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा और इसके साथ दोस्तों इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 518 nits की एवरेज ब्राइटनेस है, जो कि डे लाइट में नॉर्मल विजिबल है दोस्तों। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में जाते हो तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होने वाली है। दोस्तों इसमें सिर्फ डिस्प्ले और डिज़ाइन से तो कोई मतलब होने वाला नहीं है, अगर परफॉर्मेंस ही बढ़िया नहीं दे पाए। इसमें दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको इसमें प्रोसेसर देखने को मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। इसमें दोस्तों आपको 5G के 10 बैंड देखने को मिल जाएंगे, जो कि एवरेज है, बढ़िया 5G इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप 5G यूज़ करोगे तो 5G में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, कॉलिंग में भी दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। वही दोस्तों इसमें बात करें परफॉर्मेंस की, आपको जो इसका आंतरिक स्कोर है वो भी 4 to 4.5 lakh के आसपास में आंतरिक स्कोर देखने को मिल जाएगा, जो कि बढ़िया बात है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें दोस्तों वही अगर हम बात करें तो इसमें परफॉर्मेंस दोस्तों अगर आप डे टू डे यूज़ करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो दोस्तों, या फिर आप गेमिंग करते हो तो आपको कैसा परफॉर्मेंस निकाल के देगा। परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों मैं आपको पहले बता दूँ काफ़ी ज़्यादा एवरेज फोन है। इसमें आपको जो अगर आप BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो तो दोस्तों आपको लो सेटिंग्स भी देखने को मिल जाएगी और उसके साथ दोस्तों आपको फ्रेम ड्रॉप भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि बढ़िया बात नहीं है। एक गेमर के लिए तो दोस्तों उसको पता ही होगा कि फ्रेम ड्रॉप होगी तो कितनी ज़्यादा इरिटेशंस होती है। भाई दोस्तों अगर आप इसमें मल्टीटास्किंग करते हो, अगर आप एक बार में 15-20 ऐप को बार बार स्विच करते रहते हो तो दोस्तों उसमें भी हम कह सकते हैं कि लैग करने लग जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ को अगर आप लेने जा रहे हो तो पूरा ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में हमें इससे बेटर ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। हाँ ये कह सकते हैं दोस्तों कि इस प्राइस रेंज में जो हमें बेटर ऑप्शन देखने को मिलेंगे उसमें डिज़ाइन इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखना, आपको इतना ज़्यादा डिज़ाइन मैटर नहीं करता, इसके डिज़ाइन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। अगर आपको इतना ज़्यादा डिज़ाइन मैटर नहीं करता तो आप दूसरे फोन की तरफ जा सकते हो, परफॉर्मेंस इसमें इतना बढ़िया देखने को नहीं मिल जाता, जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 के प्रोसेसर के साथ आता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें बैटरी की तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और इसके साथ दोस्तों बैटरी तो डिसेंट है, लेकिन आपको जो चार्जर है चार्जर आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। इस प्राइस रेंज में आपको 68W का चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि फर्स्ट टाइम है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया है। इसमें आपको टेक्नो क्लेम करता है कि 15 मिनट में आपको 50% बैटरी चार्ज हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा दोस्तों, जो कि कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। फास्ट चार्जिंग आपको 15,000 rupees में सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि अगर आप कोचिंग करते हो या फिर दोस्तों ऑनलाइन अगर आप वीडियोज बहुत ज़्यादा देखते हो, आपको बहुत जल्दी जल्दी बैटरीज की वो चाहिए तो फिर दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इस फोन में कैमरे की,
तो इसमें आपको प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपको AI कैमरा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों कैमरे की क्वालिटी आपको डिसेंट सी देखने को मिल जाएगी, मैं कह सकता हूँ इस प्राइस रेंज में बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों कैमरे की क्वालिटी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी, ये नहीं कह सकते दोस्तों कि कैमरे क्वालिटी बेकार है या फिर बहुत बढ़िया है, डिसेंट सी देखने को मिल जाएगी। कैमरा क्वालिटी आपको डे लाइट में बढ़िया देखने को मिल जाएगा, पोर्ट्रेट शॉट दोस्तों आपको डे लाइट में ठीक देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स लेने जा रहे हो तो थोड़े बहुत पोर्ट्रेट शॉट में कभी कभी इसकी जो फ्रेम ड्रॉप है वो देखने को मिल जाती है। दोस्तों ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कैमरा बढ़िया है। वहीं दोस्तों इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत ही ज़्यादा एवरेज है। वही दोस्तों इसमें अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर के मामले में दोस्तों इसमें आपको iOS देखने को मिल जाता है जो कि टेक्नो का अपना है iOS। इसमें आपको ब्लूटवेयर ऐप थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ ऐसे ब्लूटवेयर ऐप भी है जो कि 2-4-5 आपको देखने को मिल जाएंगे जिसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। ये बात बहुत ही ज़्यादा बेकार बात है दोस्तों, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। बस दोस्तों हमें इसमें iOS देखने को मिल जाता है, iOS में आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, चाहे आप गेमिंग करो या फिर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जो कि बढ़िया बात है। iOS में भी देखने को मिलता है, हमें XOS में भी देखने को मिल जाता है जो कि टेक्नो इन्फिनिक्स दोनों ही तो एक ही कंपनी है दोस्तों, इनकी पैरेंट कंपनी सेम है, तो इनमें भी अभी कंपटीशन चल रहा है। हमने इससे पिछली वीडियो में बात किया था, ओवरऑल बात किया था दोस्तों, तो आप जा सकते हो उस वीडियो में देख सकते हो। दोस्तों वैसे तो अगर हम देखें तो इसमें आपको काफ़ी बड़े देखने को मिल जाता है सॉफ्टवेयर, लेकिन इसमें ब्लूटूथ ऐप इसकी ज़्यादा इसकी जो क्वालिटी है वो गिराती है दोस्तों। इसमें आपको थोड़े बहुत नोटिफिकेशन आते रहते हैं, उसको आप बंद कर सकते हो, वो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 13 देखने को मिल जाएगा, इसके बाद आपको ओनली 1 ईयर का मेजर अपडेट देखने को मिल जाएगा जो कि एंड्रॉइड 14 का होगा। ये इसकी बहुत ही ज़्यादा बेकार बात लगी मुझे। इसको टेक्नो को अपने अपडेट्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम करना चाहिए और अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम करना चाहिए। दोस्तों आपके हिसाब से आपका ओपिनियन क्या है कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों मैं आपको 1 ईयर के मेजर अपडेट और 2 ईयर के सिक्योरिटी पेज अपडेट देखने को मिल जाएंगे। चीटिंग करता है तू। और दोस्तों आपकी तरफ से फोन कैसा है आप कमेंट करके जो बताना। अगर मैं बताऊँ तो दोस्तों आपको अगर डिज़ाइन के लिए फ़ोन चाहिए, आपको थोड़ा बहुत यूज़ करना है, आपको थोड़ा बहुत मल्टीटास्किंग करनी है तो आप बिल्कुल इस फोन की तरफ जा सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपके हैवी यूजेस हैं तो मैं कहूँगा आप दूसरे फ़ोन की तरफ जा सकते हो। दूसरा फ़ोन दूसरे बेटर ऑप्शन भी हैं, जैसे अगर आ जाता हमारा पोको का X5 Pro जो कि आपको बेटर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ओवरऑल वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।